बेटे ये हुई ना बात गाइस, हाँ दांत लेकर नया चमचमाता हुआ फोन आ चुका है। मैं पीछे दिखा दूँ, थोड़ी सी झलक पीछे दिखा दूँ, दिखा दूँ, दिखा दूँ। मम्मी जी उठिए, चाय पीजिए, चाय बन गई है आपकी, चाय लीजिए। गाइज मम्मी को थोड़ा सा बुखार हो रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा बुखार हो रखा है आज, इसलिए मम्मी रेस्ट मोड पे हैं। मम्मी का मैंने बीपी वो करा, मम्मी कह रही कि बीपी लो हो गया आज, शायद एक बार चेक कर बेटा। मैंने चेक करा, बीपी वही 150। मम्मी का बीपी हाई रहता है, जतिन का भी हाई रहता है, और मेरा रहता है भाई हमेशा बीपी कितना, मेरे 90s में भी रहा, मतलब 90-95, मतलब मेरा लो रहता है बहुत ज़्यादा। मेरा हाईएस्ट रहा होगा 115, ऐसे होता है, ठीक है 120 होना चाहिए वैसे, उससे मेरा मेरा हमेशा लो रहता है। आज मेरा था 135। एक बार दोबारा चेक करता हूँ क्योंकि मेरे को यकीन सा नहीं हुआ कि 135 होएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। मम्मी जी चाय पियो, थोड़ा तबीयत ठीक होएगी। मम्मी ने दवाई भी ले ली वैसे तो। हाँ थोड़ी देर चाय पियो, थोड़ा सा अगर तबीयत ठीक होएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर के चलेंगे। उठो तो सही। इतने में अपना ये बीपी लेके दिखाता हूँ तुम्हें, देखते हैं अब कितना आएगा। ठीक है मेरा जो अभी तो 135 आया था मेरा, वरना मेरा हाईएस्ट रहा आज तक 114। वो मम्मी देखो 180-199 तक गया मेरा भाई, मेरा तो कभी गया ही ना है ना, मेरा इतना ज़्यादा कैसे जा रहा। मम्मी कुछ खाया ही ना सुबह से अब तक, तो बस वो खाया था चाय टी टोस्ट खाया बस, और कुछ नहीं। तो क्यों शरीर ना खराब कर रहे हो तुम, मेरे तो नो समझ में ना। खरीद खराब गया इसमें, 4 बज रहे हैं इस टाइम तो कुछ। अरे तो उठे ही 1:30 बजे, 2 बजे तो उठे हम, फिर लेट सोए थे ना, इतना लेट दिन में काम कर लिया करो थोड़ा बहुत। वो तो है 117, ये क्या बकवास है। तो वो कसने में ढीली रहेगी, ये तो सही लगा रखा था मैंने तो यार, 117 कैसा आया मम्मी इतना कम। अभी 135 आया था, मैं सोच रहा था मैं बड़ा हो गया, पर नहीं इसने बता दिया तो छोटा ही है। बड़ा 117 ही है यार, शे मतलब वैसे तो ये ठीक है पर ज़्यादा चाहिए था यार, ऐसा अच्छा लगता सुनने में कि बीपी हाई था। सुबह सुबह उठते ही लोग जिम करते हैं, कोई कुछ करता है, एक्सरसाइज करता है, हम बीपी ना सुबह है मतलब जब जागो तब सवेरा में 4 बजे तो हम तो अभी उठे। कौन मम्मी बीमार है, मम्मी का ऐसा होता है मम्मी काम वाम करके 12-1 बजे 2 बजे तक दोबारा सो जाती है, हम इस टाइम उठते हैं, देखते हैं इस बार कितना आएगा इस मच्छर का। अरे हाथ मत कर, कुछ भी हिला मत, सीधा रख बस ऐसे ही, इस बार आएगा इसका 119 मेरे से ज़्यादा आ गया तेरा। चल बेटे इसका मतलब मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा है। हाँ इसका मतलब ये ठीक है, मैं बीमार हूँ बस मेरी सेवा करो, चलो मेरे हाथ पैर चला था उधर, मुझे सेवा की सख्त जरूरत है। कमर कमर दबा क्या करते ना, क्या कि गोड़ों की बहू लाऊंगा मैं तो, गोड़ ब्राह्मण, गोड़ ब्राह्मण तो हम हैं 84 पंडित हैं, ये हैं गोड़ पंडित, पापा कहते थे ऐसे। अभी हम ऐसी बैठ के बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी क्योंकि जतिन जो है वो गया हुआ है फोन लेने अपना अकेले खुद, कह रहा भाई मैं फ़ोन लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा चल ले आ भाई, अब वो लेके आएगा जब दिखाता हूँ उसका फ़ोन आने वाला होगा वैसे तो हमारी ऐसी डिस्कशन चल रहा था। तो भाई गाँव में कैसे कैसे रूल होते हैं देखो, थोड़े से वो तो बात तो करनी चाहिए, ज्ञान बांटने में तो माहिर हो गया ना। तो यार मेरे को ना कुछ रूल्स मतलब ऐसे लगते हैं जैसे जैसे मतलब ऐसे है कि भाई जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, पांच मतलब पांच कपल बैठे हैं, ठीक है जैसे भाई मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ ताई बुआ फूफा मौसी मौसा कोई भी बैठे हैं, ठीक है ऐसे मान लो कुछ भी बैठे हैं, अलग अलग पांच कपल बैठे हैं मम्मी और की एज के, ठीक है। तो ऐसा होता है जब पांचों मतलब पांच आदमी पांच उनकी वाइफ ऐसे बैठे हैं सब, ठीक है। तो जब जब तक हमारे यहाँ हरियाणा में मतलब जो तो पांच औरत और पांच लेडीज पांच जेंट्स बैठते ही नहीं थे, अब भी नहीं बैठते, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है कि हस्बैंड वाइफ साथ बैठ के मजाक कर रहे हो या बात कर रहे हो। यहाँ ऐसा होगा कि अगर पांच मतलब आदमी और औरत इकट्ठे बैठे हैं तो औरतें घूंघट करके चुपचाप बैठी हैं और आदमी जो है वो बोले जा रहे हैं। ऐसा सीन होता है जो होता है ना, तो सिर्फ नाम के लिए बैठा ली जाती थी कि भाई क्योंकि और तो ये सीन गलत है यार, ये सीन ब्याह शादी का कोई भी फैसला होता था तो मर्द लेते थे सारा फैसला क्योंकि औरतों से कोई पूछता भी अब भी नहीं पूछते, पर गलत सीन है ये, बहुत से घरों में अब भी नहीं पूछते। हाँ वही तो गलत सीन है, जब औरतों का जैसे मम्मियों का आंटियों का जैसे ऐसा होता है ना, जब अकेले जैसे कभी देखोगे भी तो आंटी आंटी जैसे आपस में ग्रुप रहेगा ना औरतों का,
तो भाई वो इतना हंसी मजाक, इतना इतना बोलेंगे सब आपस में, खूब हंसी मजाक खुल के रहते हैं। मतलब जैसे मैं मम्मी ऐसा आपके साथ घूमने भी गया हूँ, है ना, या फिर जैसा आंटियाँ, जैसा आपके साथ तो मैं जाता रहूँ कहीं भी, मतलब आंटियाँ या कुछ भी, तो मम्मी और खूब बात करें। और जैसे ही कोई ऐसा हो जाएगा कि शादी है, मान लो कोई पड़ोस में भी कोई फंक्शन है या कुछ भी है, तो इतना लंबा लंबा घूंघट कर लेंगे मम्मी। और 50 साल की उम्र में भी अगर इंसान घूंघट करके ऐसे घूम रहा है तो उसका क्या फायदा। खैर मम्मी 50 की नहीं हुई, एक बार सारे रूल बदलेगा, मैं कोशिश करूंगा यार। साथ बैठ के हंसी मजाक करना होना चाहिए सबको, बराबर का वो होना चाहिए कि ये क्या ऐसे थोड़ी इज्जत होती है। आप कह रहे हो कि ये चीज इज्जत देने के लिए करते हैं ना, कि भाई हम इज्जत कर रहे हैं, मतलब सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर घूंघट करके कोई गाली बक रहा हो तो वो इज्जत थोड़ी घूंघट करके कुछ भी बोल रहा हो पता थोड़ी चलेगा, इज्जत करनी है। इज्जत वैसे होते दिख जाती है कि भाई कौन किसकी कितनी इज्जत कर रहा है, घूंघट करने से, चुप रहने से, इससे थोड़ी पता चलता है इज्जत का। कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कई तो ऐसे भी तो हैं जो कट्टर वैसे हैं कि नहीं भाई औरतों का बोलना नहीं चाहिए, वे फिर कहेंगे कि नहीं ऐसे भाई औरतों का काम होता है भाई घर संभालना, भाई वो टाइम गए, पुराने टाइम में ऐसे होते होंगे, आज के टाइम में ऐसा कुछ ना कि जो बोल रही है या घूंघट नहीं कर रही है वे घर ना संभाल रही है, घर तो वे भी संभाल रही नहीं, लोग तो ऐसे ही आप ही तो कह रहे हो कि लोग ऐसे सोचते हैं इज्जत दे रहे हैं। तो पहले बड़े बुजुर्ग तो ये घूंघट की प्रथा क्यों शुरू करी थी पता तेरे को, जब अपना देश गुलाम हो गया था नहीं, उससे पहले देवी देवताओं के या कैसे भी पोस्टर तू देख कहाँ घूंघट था, जो भी है, पर ये गलत सीन है। मतलब बराबर होना चाहिए सब कुछ, मैं तो ऐसे इस चीज़ में मानता हूँ कि भाई बराबर सबको बोलने का बराबर हक होना चाहिए, आराम से हंसी बैठ के हंसी मजाक करो, खुल के रहो, ऐसा होना चाहिए। नहीं गलत कह रहा हूँ, पता था ना जैसे अपने मोहल्ले में अपने घर में ही बैठी है, 5 औरत बैठी, 7 बैठ गया माँ का, अगर एक आदमी आ गया तो सारी चुप। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो गलत सीन है कि आदमी आ गया कोई भूत परे थोड़ी आ गए तो चुप हो गए सब चुप हो गए, ये गलत सीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई आदमियों में भी जो जैसे जो 40-50 साल की जो एज के जो आदमी रहा प्रॉपर जो ठेठ वैसे है ना जो देसी स्टाइल, उनका अंदर से ही उनमें ऐसा एटीट्यूड हो चुका है लोगों में कि हम तो आदमी हैं हम थोड़ी चुप रहेंगे, मतलब बहुत से लोगों का ऐसी सोच है, तो वो मेरे को पसंद नहीं है यार ये चीज़। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि हंसी मजाक करो, हंसो बोलो सब कुछ घर में, ऐसा तो बहुत बराबर हो गए बेटा, हर चीज में बराबर है मर्द। अब भी बहुत जगह है मम्मी, अब भी बहुत ऐसे जगह है गाँव ऐसे, तो बताना ऐसा तुमने देखा है नहीं देखा है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर तुम समझ पा रहे हो तो बताना कमेंट कर। औरतों का दर्जा नीचे रखा गया था कि भाई चलो कैसे भी लगा लो, बताओ कोई बात है, पर ठीक है जो हो गया हो गया, अब तो नहीं, सब ऊपर हो रही है अब सब बराबर। यार थार की जो छत पे ये सफ़ेद सफ़ेद सा तो फिर से दिखने लग गया, शायद इसका कुछ दिखाना पड़ेगा, मैं जतिन शर्मा जी का वेट कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं दांतला, पहुँचने ही वाला है अपने ब्रांड न्यू आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ। गाड़ी भी तो बेसमेंट में लगाता, हो सकता है गाड़ी बेसमेंट में लगा दियो, आ जाए एक बार फिर मिलवाता हूँ तुम्हें उसका फ़ोन भी, देखते हैं कैसा लाया है कैसा नहीं। आपकी इन्हीं हरकतों से पता लगता है कि हमारे नाना जी फौजी थे, मम्मी जी आपकी इन्हीं हरकतों से पता लगता है कि नाना जी फौजी थे। मम्मी की तबीयत ख़राब है ठीक है, मैंने कहा मम्मी कह रही यार वो कपड़े सूख रहे कपड़े उतारने, मैंने कहा मैं उतार देता हूँ, कह रही नहीं नहीं फिर मैं कुछ काम नहीं करूँगी तो फिर रात को वैसे ही पड़ी रहूँगी, मैंने कहा चलो ठीक है कर लो भाई अपने कपड़े उतार रहे हम दांत लेगा वेट कर रहे हैं ये। ओए ओए मच्छर इधर देख क्या कर रही है, सैलड काट रही है भाई, ठीक है खाने की तैयारी चल रही है हमारी, हमने लंच नहीं करा। बड़े बड़े आदमी मम्मी जी चमक रहे हो, ठीक है बड़े बड़े आदमी आ गए हैं, ऐसा आया था जब थोड़ा सा चमकना था, ए नीचे अपने लिए खुद गिफ्ट लेकर आया है, थैंक यू थैंक यू भाभी जी के लिए और क्या कैसे भाई चला मैं एक बात नहीं थैंक यू भैया थैंक यू, देखा देखा लो भाई दांतला हिम्मत करके ले ही आया, आखिर कौन सा दांतला लिख कर रहा है इस पे, अरे तो हाथ गंदे हो गए जो है भाई 14 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स अच्छा कितने जीबी या 256 लिया है क्यों 500 बार इतने यूज ना है यार, अरे दांत ले वो जल्दी भर जावे बाद में यार 256 ना भरता यार, अरे जब हमें पता है ना भाई कौन सा आई तूने आज से पहले आईफोन यूज करा है, एक बात बता तू पहली बार अपनी ढंग की चीज ही क्यों लिया, फिर तो सही तो चीज तो सही है, वैसे कोई दिक्कत भी ना है, पहली बार आईफोन लाया है तू है, तू दांत ले ये 70 ये फोन 80,000 के लिया था ना उस टाइम सैमसंग के फोन 80,000 के लेकर आया था और पहले दिन तोड़ दिया था, इसे भी एक महीने में तोड़ देगा मेरे हिसाब से, इसका तो मैं कवर ले आया भाई, कवर भी ले आया साथ भाई कवर सो मिडिल क्लास मैन, हमने आज तक कवर नहीं लगाया भाई वो वैसा वाला है ना
हाँ सही है, वैसे तो सही है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खोल कर दिखा दे, अभी तक खोला ही ना तूने? मम्मी खोल रही। अच्छा जी, मम्मी से करवाएगा क्या आपने इसकी? लो भाई मम्मी जी आपके लिए, भाभी से। भाभी जी आ जाओ, भाभी जी अभी भाई कढ़ी में तड़का लगा रही है, मम्मी ने कढ़ी बना रखी थी, कह रही नहीं इसमें थोड़ा सा तड़का लगा दे। ये क्या चीज है, ये कैसे तड़का है? ऐसे ही होता है, सिर्फ मिर्च? हाँ हाँ। मैंने कही मम्मी, मम्मी कैसा लग रहा है फोन? करी मस्त, एक नंबर। कहाँ है देख रहा हूँ, बढ़िया लग रहा ना? अरे तो पुराना वाला है, तो पुराना वाला ये बंद पता नहीं, नया ओपन ही ना हो गया है। ये दांत वाला सोच रहा हूँ मैं, आपको पता ना है, देख लो। इसमें टेप वेप लग के क्या मस्त फोन लग रहा है। अरे कर कर ओपन कर, खोल 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 तो दे इसे, तू ही खोल। अरे तू ही खोल दे, वो अभी वो कर रही है तड़का लगा रही है कड़ी में यार। बिना एक मिनट बाद देख कड़ी के लिए भी है, खोल। कोई नहीं, ये वो भी लिया है मैं अडैप्टर। अच्छा जी, सारी चीज ले आया अपना भाई, नया फोन है। वाह भाई, पन्नी है, पन्नी हटाओ। हां यस मॉम यस, ढोल ढोल वाले बजे बुलाने दांत के लिए, ढोल वाले ऐसे बजा दे तो डम 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 डम। दांत ने पहली बार जिंदगी में आईफोन एप्पल का कोई फोन लाया, और वो भी फिर लेटेस्ट वाला आईफोन 14 प्रो मैक्स। कलर मम्मी एकदम गिरेगा, ऊपर ही रहेगा इसमें, गोल्डन कलर। गोल्डन बेटे, ये हुई ना बात गाइस, दांत लेकर नया चमचमाता हुआ फोन आ चुका है। मैं पीछे दिखा दो, थोड़ी झलक पीछे दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। ये हुई बात, वाह वाह। हैं मम्मी ने कह रही है, अरे हाथ लगा ले मच्छर एक बार इसके, तो हाथ रहने दे। हाँ तो पता ना क्या लगा रखा था मेरे ही, वो लगा दिया चिपचिपा था। इसकी स्क्रीन हटा दे भाई अपने हाथों से, उसकी फोन की स्क्रीन हटा दो एक बार। चलो ले भाई दांत रहे, फिर टूटेगा तो इसी का नाम लेगा फिर, ये ध्यान रखियो। जब टूट गया ना, अगर गिर गिर गया ऐसे हाथ से पकड़ के नीचे से, ऐसे पानी है बोले बोले ना, ऐसा रिस्क मत, मेरे पहुंचेगी कोई बात नहीं। नीचे से नीचे से नीचे से, थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा। ऑन करो इसको, अरे अरे ऑन हो गया, ऑन हो गया। ये हुई वालो भाई, मुबारक हो। मम्मी ने सर नमक मंगवाया था, नमक लाया इसका। सोच रहा था मैं यार फोन तो लेके जा रहा हूँ, नमक साथ में लेके जा रहा हूँ, कभी टूट ना जाओ। देखिए आया नमस्ते, हाय नमस्ते, और आया था नमस्ते पहले, अभी हेलो। अलग चीज लेके आया मेरा बेटा, मीठा दुनिया ले आया, नमक लेके आया। और थोड़ी सी बीमार चल रही है, जब समझाना ये भाई, जो जब जो कोई एंड्रॉइड वाला इंसान एप्पल पे आता है तो वो पहली बार उसके लिए सब कुछ अलग से ही रहता है। अभी से पता चलेगा कुछ दिन में, या तो ऐसा होता है कि या तो ये वापस भाग जाएगा, वो भाई मैं ना चला रहा ये एप्पल वेप्पल, या फिर ये कहेगा कि अब मैं एप्पल ही चलाऊंगा, मैं और कुछ चलाऊंगा। इसकी स्क्रीन का थोड़ा सा मजा है, तो लेन दो मुझे भाई। नॉर्मल कड़ी, तड़के वाली कड़ी, दही सैलेड रोटी मम्मी बना रही है। ये क्या चीज़ है भाई, चेक द डायरेक्शन, चेक द डायरेक्शन, ठीक कर दिया। ये क्या चीज़ है, इसमें DPF क्या होता है ये भाई, मेरी समझ से बाहर है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, हर में आवाज कर रही है अजीब अजीब, मेरे को शादी के लिए निकल रहा था। इसमें ये लाइट अब भी जल रही है, गाड़ी तो चल गई है, मतलब अभी तो चली नहीं रही थी, लेकिन ये जो दिख रहे हो दो हरी लाइट के ऊपर जो येलो सी लाइट आ रही है, DPF इज क्लोक्ड ऐसे करके कुछ लिखा आया था। अब पता नहीं क्या होता है DPF क्या होता है, मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो अच्छा खासा शादी के लिए निकल रहा था, मतलब बारात में आज जाना है, आज हमारे भाई की बारात है उसमें जा रहा हूँ। जतिन तो पहुंच चुका है, मैं और पटियाला अब निकल रहे हैं, थोड़ा सा लेट और हो गया। मैं सोचा था बाल बाल सेट करवा के जाऊंगा, लेकिन ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं, तो शायद कोई भी सैलून खुला मिलेगा नहीं। अगर मिल गया तो फिर बाल सेट करवाऊंगा, और नहीं तो फिर अपना सदा बाहर लुक है ही, हाथ मारो और सेट, वो वाला सिस्टम करना पड़ेगा। ब्लैक पहन रखा मैंने पूरा, ऊपर से नीचे तक अभी दिखाऊंगा। तो मैं यार मेरे पे ब्लैक कपड़े बहुत सारे हो गए, और मैं ना हर जगह ब्लैक ब्लैक दिमाग में भी ये होने लगी यार ब्लैक नहीं पहनूंगा। ऐसे हो ऐसी वो आ गई है कि ब्लैक मैंने इतना पहन लिया पिछले कुछ दिनों में, पर मेरे पे अच्छा भी लगता है, मेरे को खुद भी अच्छा लगता है और मेरे पे भी अच्छा लगता है। एनीवेज ये DPF क्या होता है भाई बताना, मैं तो पता नहीं, मैं तो लेके निकल लूं। देखो मेरे साथ ऐसे होता है, जैसे मैं अब गाड़ी में कुछ भी इसमें दिखा रहा है, तो मेरा ऐसे नहीं है कि अरे यार इसमें ये दिक्कत आ रही है, अभी इसमें जल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो मैं किसी को दिखाऊं।
मेरा ऐसे कि अच्छा चल रहा था, अब नहीं चल रहा, ठीक है लेकर निकल ले, अब जब जतिन मिलेगा उसे बताऊंगा मैंने इसमें यार था, फिर वो कहेगा ओहो ये भूक दिया तूने तो इसका, फिर मैं कहूंगा अच्छा बहुत बुरा हुआ यार बस खत्म बात, फिर वो अपना आप ठीक करवाता रहेगा। देखो ये भाई अब भी कर रहा आवाज़ यार, ये तो कुछ खतरनाक सी आवाज़ है यार, ब्लास्ट ना हो जाए, मेरे को डर बस इसी चीज़ का लगता है। मैंने किसी की थार में ऐसी दिक्कत ना देखी आज तक, माँ कसम ये तो कुछ अजीब सी है, मतलब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, एक बार पूछता हूँ या तो जतिन से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, कहीं रास्ते में उड़ जाऊँ मैं। चेक द डायरेक्शन भाई, इसके साथ एक बार दोबारा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने जो करना था वो कर दिया, वैसे तो हो गई, ठीक हो गई शायद। अब जो इसमें लिखा आ रहा था वो तो नहीं आ रहा है, पता ना पहले तो चेक द डायरेक्शन का आ रहा था, फिर कुछ रीजन का कुछ आ रहा था, और क्या था DPF पता नहीं जो भी था वो उसका वो आ रहा था, मेरे तो समझ से बाहर हो गया। मैंने जितने को फ़ोन करा इतनी देर में अपने आप निशान चला गया, तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, पर अगर मैं तो कहीं मजबूरी में ऐसे फंस जाऊँ तो मेरे तो समझ से बाहर है। पटियाला का वेट कर रहा हूँ फिलहाल, तो पटियाला थोड़ा सा लेट है, मैंने कहा भाई जल्दी आ जा फटाफट, वैसे लेट हो रहा है ऑलरेडी। टाइम देखो कितने बज गए, एक सेकंड मेरी घड़ी में देख लो तुम, नई घड़ी में टाइम कितना हो गया, 10:10। अरे भाई साहब बहुत ही लेट हैं, पर बारात वारात में तो लेट ही हो जाते हैं थोड़े बहुत, अभी तो शायद वहाँ चढ़त हो रही होगी, चढ़त ही बोलते हैं ना, घुड़छड़ी तो घर होती है ना, चढ़त हो रही होगी तो थोड़ा बहुत लेट तो चल जाता है। मैं सोच रहा था कि बाल सेट करवाऊंगा, लेकिन जो जहाँ मैं कराता हूँ वो सैलून बंद थे, अब यहाँ पे ये खुला तो है पर रिस्क है यार, करवा के देखो क्या पटियाला आ रहा है, एक बार करवा लेता हूँ इनसे, थोड़ा सा हाथ पाँव मरवाता हूँ कि भाई कुछ सेट कर दे तो बाल वाल मेरे, वरना मेरे को खुद ही करने पड़ेंगे, देखते हैं। लो भाई ऐसे से बाल सेट कर दिए भाई ने, ये देख लो सीधे खड़े, पहले तो बिल्कुल सीधे थे, अब थोड़े से मोड़ दिए, इस भाई ने खड़े भाई, एक बार दिखाइए शक्ल दिखाइए, सही लग रहे हैं ना पक्का है, बुरे तो ना लग रहे ना यार, कभी बेइज्जती हो जाती है, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बस। इस भाई ने पहले बाल सेट करे, मतलब ड्रायर वगैरह मारा, फिर उसके बाद बालों की तारीफ करी कि बाल अच्छे हैं भाई आपके, पूरे सर में बाल है, ये है वो है, दो चार बात की भाई। पटियाला सेट आ गए, बाल तगड़ा लग रहा, बढ़िया लग रहा हूँ, इस बाल सेट करवाया मैंने, जो के कर रखा है, सुनो सही, पहले बाल को तारीफ करी फिर कह रहा मेरे जैसे बाल है बिल्कुल आपके, मैंने कहा है तेरे है, तो करके रखा इतने बाल का, सही लग रहे हैं, अभी मैं करूंगा गाड़ी में बैठ कर ठीक, इसने बस खड़े कर दिए, अब मैं गाड़ी में बैठ करता हूँ कुछ इनका जुगाड़। भाई हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है एक मतलब कौन सा गार्डन है पटियाला, कौन सी कुछ है तो सही, विस्ता दिल्ली, हाँ तो हम यहाँ पहुंच गए हैं, पर हमें ये नहीं पता यहीं है या कहीं है, हो रहा प्रोग्राम और जतन फोन नहीं उठा रहा, तो हम जाके देख रहे हैं अंदर ही, अगर किसी और का भी हुआ तो दूध और जलेबी खा के ही निकलूंगा फिर यहाँ से। क्या चीज़ है? जलेबी सर नहीं, जलेबी नहीं है तो यो ही ले ले, ये तो पाप कर दिया इसने ऐसे बोल कर, पटियाला चलो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे हम तो, गुलाब जामुन प्लस आइसक्रीम इसके फोन दे ले, फोन इसका फोन आ गया तो मतलब अब इसके फोन से करोगे क्या? भाई क्लैरिटी एस करे एक भाई, अगर चाहिए तो भाई अपना फोन दिखा दो एक बार उधार, नहीं है यार अभी देखते हैं, दबा दो मना ही कर दी, फोन में दे नहीं, देख फर्क दिखा देते हैं, क्या चीज किस चीज का दिखा, फोन एड्रेस दिखाइए, एड्रेस तो ठीक है, फोन दियो, अभी अंधेरा सा हो रहा है तो पूरा दिख ना रहा, ले ऐसे फोन दिखाइए अपना, ऐसा हरपा लग रहा है ना, फोटो डाल, ये भी भाई पूरे ब्लैक में है, ठीक है फोन दिखा, वो भी पूरे ब्लैक में, एक मेरी और दिखा दे पूरी ब्लैक, मैं भी पूरे ब्लैक में हूं, ठीक है। अरे यार तुम फिर मेरी साइड ना ले, मैं कहूं ना कि कौन ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ये हमारी चमचमाती हुई थार हमने बाहर खड़ी कर दी थी ताकि भीड़ भाड़ की दिक्कत ना हो, अंदर वैसे भी जगह कम थी, और पटियाला इधर पटियाला इसमें थार में पता ना क्या दिक्कत आई, अजीब सी कुछ दिक्कत आई थी कल व्लॉग में देखियो, कुछ तीन वर्ड थे DMS या DPS पता ना कुछ ऐसा करके तीन वर्ड थे, वो 4x4 लगा दिया, 4x4 ना कुछ अलग ही दिक्कत थी मेरी समझ में ना आई, मेरी मेमोरी इतनी देर की है, खाना खाया और भूल गया। पीछे से एक गाड़ी हमें लाइट मारते हुए आ रही थी, ये जा रही है जो लायन गाड़ी, अभी भी भाई देखियो टोरा तो है इस गाड़ी का रोड पर चलते हुए का, जैसे गुड़गांव गाड़ी ना है, सबसे बढ़िया गाड़ी लगा भाई मैंने तो, एक नंबर, अभी तो कह रही है लाइट वाइट जल्दी है सारी, इसलिए अंधेरे से में चलाओ तो अलग ही चीज है, और नंबर ऊपर से 0004, और इसका कद ले रहा है इसका, बस अब ले लेंगे यार जल्दी, अब खुलेगी इसकी कल, खुल जाएगी मेरे हिसाब से, है हाँ उसने बताई ना यार, वो एलविश कह रहा था मैं बताऊंगा, अब तक बताई ना उसने, पूछूंगा आज।
पुलिस वाली गाड़ी खुद रॉन्ग साइड आ रही है, बताओ इनका कौन चालान काटेगा भाई। अब एक गाना है जो मेरे को इसने पटियाला ने और जतिन ने सुनाया था, जतिन ने सुनाया था पहले, हाँ एक नंबर गाना भाई मेरे तो, मतलब वो लूप पे चल रहा है आजकल। गाना सुनाओ तुम्हें कैसा है कि ऐसे है, लिरिक्स ऐसे है, हरियाणवी सॉन्ग है और हरियाणवी ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सा, मतलब ऐसे अलग सी वो है म्यूजिक व्यूजिक सब कुछ। परवानी यार ने तू बॉम्बे है के दिल्ली, शहर तेरा फूक देना लाके बिल्लो तिल्ली, जैसे लक्षण मेरे मन दिख रही है रे, लेने आवेगी रे मन बत्ती लाल नीली। ये पुलिस वाली मतलब जैसे मेरे लक्षण है उस हिसाब से मेरे को पुलिस की ये लेना आई है, ऐसे पुलिस गाड़ी में दिखी तो मेरे को वो गाना याद आ गया। अब इस गाने को चला लेता हूँ गाड़ी में और घर पहुंचता हूँ पटियाला को, मैंने उसे घर उतार दिया है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, ठीक है गाइस। कल जहाँ तक है मैं सोच रहा हूँ एक बार जो गाड़ी लेने का अपना सीन बन रहा है तो कल एक दो जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ देखने चलेंगे, अगर गए तो ठीक है, नहीं गए तो कल की कल देख लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए गुड नाइट है, गुड नाइट क्या है वैसे तो गुड मॉर्निंग है, तुम देखोगे तब तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। तो मेरी साइड से गुड नाइट, अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।